तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें पांच और जोड़ देते तो सात हो जाता, अर्थात 105 पहली ऐसी संख्या है जो सात से विभाज्य है। फिर आखिरी संख्या देख लीजिए, ठीक है, 300 में हम किसकी भाग कर लें, सात की भाग कर देना। देखिए 7 चौक 28 सही होगा, 300 भागे कितना भैया, 7 चौक 28 2 20, ठीक है, 7 दुनी के 14 कितना, 6 बचा, यानी कि हम कह सकते हैं, ठीक है, 6 वैसी 6 और कम कर देते तो अर्थात इसमें से कौन सा आ जाता भैया, 294 ना, अंतिम संख्या 294 जो 7 से विभाज्य है और 100 के बाद 105 है जो 7 से क्या है, विभाज्य है। अब देखिए अंतर भी 7-7 का, यानी 7 जोड़ते जाएं तो जो अगली संख्या प्राप्त होगी वह 7 से विभाज्य होगी, इसमें से 7 घटाते जाएं तो वही संख्या यानी 294 तक विभाजित हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम संख्या कौन हो गई भैया, 105, अंतिम संख्या वह कौन हो गई, तो आप कह सकते हैं 294। तो कुल कितनी संख्याएं हो गई, कुल संख्या तो आपने पढ़ा है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1, यही पढ़ा है हम लोगों ने ना, आ जाइए। तो देखिए अंतिम संख्या कितना 294, पहली संख्या कितना 105 बटे 7 प्लस 1, सही है। अब ध्यान दीजिए, घटा लीजिए, देखिए कितना आएगा, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचा भैया, 14 में से 5 जाएगा तो आप कह सकते हैं 9 ना, ठीक है। फिर कितना बचा, देखिए यहाँ से यहाँ 8 बचा तो 8 हो ही जाएगा, सही है। यहाँ 189/7 भाग दे लीजिए, प्लस 1 करना है ना। अब 189 में 7 दुनी के 14 ठीक है, 7 दुनी के 14 और 4 बचा, 7 7 49 प्लस 1 यानी 27 और 1 28, कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 28 संख्याएं हैं। हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता पर आधारित प्रश्न, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने विभाज्यता के नियम को पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न जो है विभाज्यता पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं किसी न किसी एग्जाम में निश्चित तौर पर यह पूछे गए, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए दिया गया जेड का मान 11 कीजिए, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या चार सौ सत्रह जेड 8 9 से विभाज्य है। अब देखिए ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 6, यही दिया गया। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहा कि जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 41, 7 जेड और 8 9 से विभाज्य हो, तो हमें किसका मान बताना है भैया, इसी जेड का मान बताना है, क्योंकि जेड क्या है, एक अंक है ना। और निश्चित तौर पे हम लोगों ने 9 से विभाज्यता के नियम में क्या पढ़ा कि
वह संख्या जिसके सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। यहीं पढ़ा था हम लोगों ने ना। चलिए देखते हैं। देखिए 8 और 1 9 हो गया, 7 और 4 कितना होगा 11 होगा, लेकिन 7 में से यदि 2 ले लें तो 9, अर्थात कौन सा अंक तो बचेगा अगर यहां पे हम 7 रख दें। देखिए 4 धन 1 धन 7 धन 8 धन जेड, यानी ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 9 से विभाजित हो जाए ना। तो देखिए 4 और 5, 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 और 7 कितना हुआ तो 7 5 12 हो गया, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 में हम कितना जोड़ दें कि कोई 9 से विभाजित होने वाली संख्या है तो जेड का मान हम कितना रख दें भैया तो 7 रख दें, अर्थात 27 हो जाएगा। तो 27 किससे कट जाएगा 9 से कट जाएगा ना, 9 3 27, अर्थात कौन सा होगा तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर चाहे तो इतना कर सकते हैं, नहीं तो इतना नहीं करने की जरूरत हमको, हम वैसे भी कर सकते हैं। देखिए 8 1 9 7 2 9 यानी कितना और तो 7 2 इसमें से बचा, अगर इसमें से हम 7 ले लेते तो 7 2 9 हो जाता, अर्थात 7 ही होगा उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, क्योंकि यह क्वेश्चन नंबर एक था और पूछा गया क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा का क्वेश्चन दिया गया, यदि संख्या चार सौ छः, खाली स्थान दिया गया, रिक्त स्थान है 6, 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान पर पूर्णांक है, देखिए यदि संख्या 406 रिक्त स्थान 6 11 से विभाज्य हो तो रिक्त स्थान पर पूर्णांक है। ऑप्शन दिया गया ए जो ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 5। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा भैया, ए बी सी या डी, देखते हैं। अब देखिए 11 से विभाजित होने वाली संख्या यहाँ रिक्त स्थान है ना, यानी कि हम कह सकते हैं 406 रिक्त स्थान के बाद 6। और हमने पढ़ा है देखिए यहाँ कोई एक अंक है तो हमने पढ़ा है एकांतर अंकों के योगफल में से यदि घटा दें तो कोई या तो जीरो आ जाए या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए ना। तो चलिए देखते हैं 6 4 10 और 6 कितना हो गया एकांतर, देखिए यहाँ एक का अंतर यानी एक अंक का अंतर हो गया, फिर एक अंक का अंतर इधर हो गया, तो 4 धन 6 धन 6 बराबर कितना हो गया भैया 16। अब देखिए यहां तो जीरो है और इस अंक का पता नहीं हमको है, तो यानी कि 16 में से हम कितना घटा दें कि कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो 11 से विभाजित हो जाए तो हम कहेंगे भैया 5 घटा देना, 5 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 11, 11 जो 11 से विभाज्य हो जाएगी, अर्थात जो रिक्त स्थान है उसके स्थान पर कौन सा अंक हो जाएगा 5 होगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा है एकांतर क्रम के अंकों का जो योगफल है उसका अंतर जो होगा अगर कोई संख्या या तो जीरो हो जाए या 11 से विभाजित होने वाली संख्या हो जाए तो वह क्या होगा 11 से विभाजित हो जाएगी ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आज तक एग्जामों में पूछे गए, तो निश्चित तौर पर आप प्रश्न को पूरा देखें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, 8 से
विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। आठ से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। देखिए जैसे फर्स्ट दिया गया भैया 52-40, सेकंड दिया गया 52-20, थर्ड दिया गया 97-128 और फोर्थ जो दिया गया वह है 97-124। मतलब इसमें से कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जो आठ से विभाजित हो सकती हैं। अब देखिए जो ऑप्शन दिया गया ए वह है 1, 3 व 4, 1, 3 व 4। ऑप्शन जो बी दिया गया 1 व 3। ऑप्शन जो सी दिया गया 1 व 2। और जो ऑप्शन डी दिया गया 2 व 3। चलिए आठ से विभाजित होने वाली कौन कौन संख्याएं हैं। तो देखिए आठ से विभाजिता का हमने नियम पढ़ा है ना कि अंतिम के तीन अंक यदि आठ से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या आठ से विभाजित हो जाएगी ना। तो 8 3 24 यानी आठ से विभाजित हो जाएगी ना। चलिए यहां देखते हैं कितना हो गया, 8 2 16, 6 22 यानी 60 बचा। तो 60 8 से विभाजित होगा नहीं, अर्थात यह तो विभाजित नहीं होगी। 128 है, 8 से भाग करिए कितना हो गया देखते हैं। अब देखिए 8 1 8, 4 बचा, 4 और 8 48 हो गया, 8 6 48, अर्थात यह भी विभाजित हो जाएगी। अब एक देख लेते हैं जो चौथी वाली है, 124 में 8 से भाग करिए, 8 1 8, 44 बचा, 8 5 40, अर्थात यह विभाजित नहीं होती। यानी कौन कौन संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो पहली और तीसरी। देखिए पहली और तीसरी किस ऑप्शन में है भैया, तो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है ना। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन हो जाएगा, सही। यह तीसरा क्वेश्चन था। चलिए आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 4 या तो 3 या 4 है। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या तो 4 है ना। यह संख्या 3 और 4 तथा वह संख्या 3 व 4 दोनों से विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए प्रश्न हमेशा प्रश्न पे ही ध्यान रहता है हमारा। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, जैसे ऑप्शन ए दिया गया 333,
ऑप्शन बी दिया गया 444, ऑप्शन सी दिया गया 44 और ऑप्शन डी दिया गया 4444। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी। चलिए देखिए कह क्या रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक, अंक जो है तीन या चार है ना। देखिए यह भी तीन, प्रत्येक अंक तीन है या चार है या सभी चार ही हैं, तथा वह संख्या तीन व चार दोनों से विभाजित होती है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है, मतलब इसमें से देखना है सबसे छोटी संख्या। चलिए देखते हैं, देखिए यह तो तीन से विभाजित हो जाएगा, लेकिन क्या चार से विभाजित होगा, तो भाग करिए नहीं होगा ना, आठ चौको 32 यह तो नहीं होगा। देखिए यह तो तीन से विभाजित होगा, देखिए चार चार आठ, चार त्याई 12, अंकों का योगफल 12 अर्थात तीन से तो विभाजित हो गया और चार से भी विभाजित हो जाएगा, तो यह तो हो सकती है, लेकिन इससे सबसे छोटी पूछा है। चलिए आ जाइए यहाँ देखते हैं, देखिए यह तो तीन से विभाजित नहीं होगा ना, चार चार आठ और चार से विभाजित नहीं होगा, और यह तो बड़ी है, अर्थात कौन से ऑप्शन होगा भैया, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा ना। चलिए अब यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीन से विभाजित हो जाती है लेकिन चार से विभाजित नहीं होगी, और यह चार से विभाजित हो रही है लेकिन तीन से विभाजित नहीं हो रही है, तो हमसे यह कह रहा है कि तीन या चार दोनों से विभाजित, तीन व चार दोनों से विभाजित होती है ना, तो ध्यान दीजिए तीन और चार दोनों से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है भैया, तो 444 है ना, तो यही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यदि इकतीस यक्ष 5 9 का अपवर्त है जहां यक्ष 1 अंक है, 1 अंक है, तब यक्ष का मान होगा, चलिए लगाइए सवाल को, ऑप्शन हम लिख लेते हैं, ऑप्शन जो ए था भैया 1, ऑप्शन बी था 3, ऑप्शन सी था 6 और ऑप्शन डी था 9। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी या डी। देखिए यदि 31 यक्ष 5 यानी यक्ष कोई अंक है, 9 का अपवर्त है यानी 9 से विभाजित होने वाली कोई संख्या है, जहां यक्ष 1 अंक है, तब यक्ष का मान होगा। देखिए अगर हम कहें 31 यक्ष 5 यदि 9 से विभाजित हो रहा है, तो इसके अंकों का योगफल भी तो 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 5 3 8 1 9 यानी कि 5 3 8 1 9 हुआ। अब यक्ष के स्थान पे कौन सी ऐसी संख्या हो जाए कि जो 9 हो, तो हम कह सकते हैं 9 होगा, क्योंकि इन तीनों का योगफल तो 9 हो गया। अगर यहाँ 9 होता तो इसका योगफल भी 18 हो जाता और वह 9 से विभाजित हो जाती, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 5 3 8 1 9 सही है, अगर यहाँ यक्ष के स्थान पे 9 होता तो यह संख्या 9 से विभाजित हो जाती, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि यक्ष के स्थान पर यानी कि 31 9 5 हो जाए, तो यह कितने से विभाजित हो जाएगी भैया, 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 5 3 8 1 9 9 विभाजित हो गया, अर्थात यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी ना। चलिए आगे कुछ क्वेश्चनों को हम लोग लेते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। आइए देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जामों में आज तक पूछे गए हैं, तो निश्चित तौर पे आप वीडियो को पूरा देखिए या पूरे क्वेश्चनों को देखने का प्रयत्न करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि
संख्या, यदि संख्या 62, 53, 29, 15 ठीक और दिया है ए, 6 से पूर्णतः विभाज्य हो तो एके स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा, ठीक है, सबसे बड़ा अंक होगा। ऑप्शन ए कह रहा है 5, ऑप्शन बी दिया गया था 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी जो दिया गया था 9। देखिए 62, 53, 29, 15 और ए, ए इकाई का स्थान का अंक है। तो देखिए 6 से विभाजित, 6 से पूर्णतः विभाजित है कह रहा, तो 6 से विभाजिता के नियम में हमने पढ़ा कि वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए वह 6 से विभाजित हो जाएगी ना, यही पढ़ा गया था। अब देखिए 2 से विभाजिता के नियम में हमने पढ़ा था कि जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए ए इकाई के स्थान पे है तो 5 तो होगा नहीं, 9 तो होगा नहीं, कंफर्म हो गया। अब होगा क्या भैया, 6 या 8 में कोई होगा, चलिए देख लेते हैं वह भी। अब ध्यान दीजिए यहाँ 6 हो सकता है या 8 हो सकता है। अब अंकों का योगफल देख लेते हैं, ध्यान दीजिए यह 3 से विभाजिता का सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए 62, 53, 29, 15 और ए यही है। अब 3 से विभाजिता के लिए हम लोग देखते हैं इसे, तो हम कह सकते हैं देखिए 3 × 2 = 6 कट गया, सही। अब यहाँ समझिए यह 3 भी कट गया। अब यहाँ समझिए देखिए 5, 4, 9 यह भी खत्म, 9 यह भी खत्म, 5, 1, 6 यह भी 9 खत्म। अब देखिए अगर 8 होता तो 3 से तो कटता नहीं, अर्थात क्या होना चाहिए भैया, अगर यहाँ पे 6 होता तो यह भी 3 से कट जाता, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए के स्थान पे कौन सा अंक होगा, तो आप कह सकते हैं कि 6 होगा। बस कुछ नहीं करना, यहाँ ध्यान दीजिए बस प्रत्येक अंक को देखिए कौन कौन अंक 3 से कट रहे हैं। तो देखिए 6 कट गया, अब देखिए 5, 2, 7, 2, 9 कट गया, 3 कट गया, 9 कट गया, 5, 1, 6 कट गया। अब ए के स्थान पे कौन सा अंक होता, तो 6 ही होता जो कट सकता, 8 तो कटेगा नहीं, अर्थात ए के स्थान पे कौन सा अंक होगा भैया, तो 6 होगा ना। चलिए कुछ अगले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, अब तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। देखिए यदि संख्या, यदि संख्या 513, 24, 16 अब आगे क्या दिया है भैया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा, ठीक। देखिए जो ऑप्शन ए दिया गया 8, जो ऑप्शन बी दिया गया 6,
जो ऑप्शन सी 7 और जो डी दिया गया 9 सही है। अब देखते हैं, यदि संख्या 513 24 16 क्वेश्चन मार्क 3 से विभाज्य है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक होगा। देखिए भैया 513 24 और 16 फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है ना। अब 3 से विभाज्यता के लिए देखते हैं, आ जाइए। देखिए 5 एक 6 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 दो 6 कट जाएगा और 6 कट गया, सही। अब देखिए कौन सा अंक यहाँ पे रखते कि कट जाता, तो देखिए 9 सबसे बड़ा अंक पूछा भी है, तो सबसे पहले देखिए 9 रखते तो यहाँ एक बचा है, 9 एक 10 नहीं कटता। 8 रखेंगे तो 8 एक 9 अर्थात कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसके लिए कौन सा होगा भैया, तो 8 ही होगा। हालांकि 6 रखने पे भी नहीं आएगा, 7 रखने पर भी नहीं आएगा ना, तो अर्थात वह कौन सा अंक होगा, 8 ही होगा। चूंकि सबसे बड़ा पूछा है तो बड़े अंक की तरफ हम गए। अगर देखिए यहाँ एक बचा है 9 लेते तो 10 हो जाता, अर्थात नहीं होता। 8 है, एक बचा है 8 और एक 9 होता जो 3 से कट जाता, अर्थात पूरी संख्या किससे कट जाती, 3 से कट जाती ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, तो क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, 100 और 300 के मध्य, 100 और 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, चलिए कितनी संख्याएं 7 से क्या हैं भैया, विभाज्य हैं। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 31। अब कह रहा है समझिए, 100 और 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी कि कहें कि 100 और 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो 100 के बाद देखिए 100 में अगर हम किससे भाग करें, 7 से भाग करें ना, तो हम कह सकते हैं 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा ना, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें 5 और जोड़ देते तो 7 हो जाता, अर्थात 105 पहली ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। फिर आखिरी संख्या देख लीजिए, ठीक है 300 में हम किसकी भाग कर लें, 7 की भाग कर देना। देखिए 7 चौक 28 सही होगा, 300 भागे कितना भैया 7, 7 चौक 28 2 20, ठीक है 7 दुनी के 14, कितना 6 बचा, यानी कि हम कह सकते हैं ठीक है 6 वैसी 6 और कम कर देते तो अर्थात इसमें से कौन सा आ जाता भैया 294 ना, अंतिम संख्या 294 जो 7 से विभाज्य है और 100 के बाद 105 है जो 7 से क्या है विभाज्य है। अब देखिए अंतर भी 7-7 का, यानी 7 जोड़ते जाएं तो जो अगली संख्या प्राप्त होगी वह 7 से विभाज्य होगी, इसमें से 7 घटाते जाएं तो वही संख्या यानी 294 तक विभाजित हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम संख्या कौन हो गई भैया 105, अंतिम संख्या वह कौन हो गई, तो आप कह सकते हैं 294। तो कुल कितनी संख्याएं हो गई, कुल संख्या तो आपने पढ़ा है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1, यही पढ़ा है हम लोगों ने ना, आ जाइए। तो देखिए अंतिम संख्या कितना 294
पहली संख्या कितना, 105 बटे 7 प्लस 1, सही है। अब ध्यान दीजिए, घटा लीजिए, देखिए कितना आएगा, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचा भैया, 14 में से 5 जाएगा तो आप कह सकते हैं 9 ना, ठीक है। फिर कितना बचा, देखिए यहाँ से यहाँ 8 बचा तो 8 हो ही जाएगा, सही है। यहाँ 189 बटे 7 भाग दे लीजिए, प्लस 1 करना है ना। अब 189 में 7 दूनी के 14, ठीक है, 7 दूनी के 14 और 4 बचा, 7 × 7 = 49 प्लस 1 यानी 27 और 1 = 28, कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 28 संख्याएं हैं जो किससे विभाजित हो जाएंगे, 7 से विभाजित होंगी, 100 और 300 के बीच कुल 28 संख्याएं हैं। पहली संख्या 100 से जो अधिक है, 105 है जो 7 से विभाजित होगा, फिर 7 जोड़ते जाइए, सभी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगी, अर्थात सर्वांतर कितना हो जाएगा, 7 का होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे रख लिया गया अंतिम संख्या 294, क्योंकि यहाँ 6 अधिक हो रहा था तो 6 कम कर लेते तो 294 आता। 294 प्रथम संख्या 105 बटे 7 प्लस 1 ना, हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ना, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सौ यहां 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या है, कह रहा है भैया 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या है। ऑप्शन ए 50 40, ऑप्शन बी 25 50, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 100। कह रहा है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या है, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 1 से 10 तक के सभी अंकों से विभाजित हो जाएगी ना। सबसे पहले देखिए 10 से, तो हम सबसे पहले बड़ी से शुरू कर लेते हैं, तो 10 से तो सभी विभाजित हो जाएंगे, फिर 9 से समझिए, अंकों का योगफल 9 होना चाहिए, यह तो होगा नहीं, यह होगा नहीं, 5 5 10 दोबारा, यह होगा नहीं, 5 4 9 अर्थात यही हो जाएगी ना। यानी कि हम कह सकते हैं 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है भैया, 50 40। अगर चाहें तो आप इसका मसा निकाल सकते हैं, तो मसा आता है 2520 आता है, उसका दोगुना कर देंगे तो 50 40 हो जाएगा। लेकिन हालांकि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या है, हमसे इतना ही पूछा है, तो बहुत कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए। अगर हम केवल देखते 10 से तो सभी कट जाएंगे, लेकिन 9 से केवल यही संख्या कटेगी, बाकी कोई नहीं कटेंगी, तो हम कह सकते हैं वह ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, सही है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन होगा यह। देखिए यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, निम्न में से कौन सी संख्या,
निन्यानवे से विभाजित होगी। कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या है जो निन्यानवे से विभाजित होगी। देखिए ऑप्शन जो ए दिया है भैया, पैंतीस, बहत्तर, 406। जो बी दिया है इक्यानवे, 34, 62। जो सी दिया है 13, 57, 92, सॉरी 92। और जो डी दिया है 114, 345, 114, 345 यही दिया गया है ना। चलिए देखते हैं कि निम्न में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 99 से विभाजित होगी। यानी देखिए 99 से विभाजित होने वाली संख्या में हम किसका पढ़ सकते हैं, 9 व 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ सकते हैं ना। क्योंकि देखिए 9 और 11 के बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक होगा, अर्थात यह नियम कार्य कर सकता है। अब 9 से विभाज्यता के नियम क्या, 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है भैया, अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए ना। देख लेते हैं, अगर चाहते तो 11 से भी कर लेते शुरुआत में। देखिए बड़ी संख्याओं से करने से जल्दी रिजल्ट आ जाता है, जल्दी हमको समझ में आता है। लेकिन चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ से आप देखिए 7 और 2 9 खत्म हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए 5 4 9 खत्म हो जाएगा, 6 3 9 यह भी हो गया, अर्थात यह तो 9 से विभाजित हो जाएगी, 9 से विभाजित हो रही है ना। इसे भी देखिए 9 कट गया, फिर यहाँ समझिए 4, देखिए 6 और 3 9 यह भी खत्म हो गया, 4 2 6 1 7 यह 9 से विभाजित नहीं होगी, अर्थात इसको हम खत्म कर लेते हैं यहीं से, यह होगी ही नहीं। यहाँ देखिए 9 5 3 8 1 9 यह भी खत्म, 7 2 9 यह भी हो सकती है, 9 से विभाजित हो रही है। यहाँ आ जाइए देखिए 5 4 9 हो गया, 4 3 7 2 9 हो गया, सही है। अर्थात हमें अब 3 अंक देखना है, 1 2 और 3, इससे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अब 11 से विभाज्यता के नियम की हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब अल्टरनेट कर चलते हैं ना, ध्यान दीजिए 5 7 3 10 10 4 14 और 6 14 6 20 हो जाएगा, सही है। यहाँ से हो गया भैया, इसके लिए कितना हो गया, 20 हो गया। 20 में से कितना घटाना, 5 2 7 7 घटा लेना, कितना हो गया 13, अर्थात यह 11 से विभाजित नहीं हो रही है ना। तो यह तो कहानी इसकी भी खत्म हो गई, यह पहले से ही खत्म है, आ जाइए इस पे चलते हैं हम लोग, सही है। अब यहाँ देखिए यही होगा, और यहाँ से हम बात करें तो यह वाला होगा। देखिए कितना हो गया, 1 5 6 6 और 9 कितना हो गया, 15 हो गया, सही है। देखिए 1 5 6 9 15, अब इसका जोड़ लेते हैं 3 और 2 5 ना, 5 घटा लें तो भैया कितना आ गया, 10, यह भी नहीं होगा, अर्थात यह 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए हम इसे भी हटा सकते हैं। अब आ जाइए लास्ट ऑप्शन तो ऑलरेडी होगा ही, लेकिन इसे भी हम प्रूफ कर लेते हैं ना। चलिए देखिए सही, अब यहाँ देखिए 1 4 5 4 9 9 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 3 8 1 9, 9 में से 9 घटा लेंगे 0, अर्थात यह संख्या जो होगी, यानी जो डी वाला ऑप्शन है वह क्या होगा, 9 और 11 दोनों से विभाज्य है, अतः यह 99 से भी क्या होगा भैया, विभाजित हो जाएगा ना। क्योंकि यह जो है 11 और 9 दोनों से विभाजित है, अतः 99 से भी विभाजित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कौन सी संख्या है भैया, तो आप कह सकते हैं जो डी ऑप्शन था 114 345, यह 99 से विभाजित हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होंगे। देखिए अगर हम बड़े वाले से देखते तो सबसे पहले हम अगर करते तो 11 से करते तो यहीं तक ख़त्म हो जाता,
बहुत कुछ देखने की जरूरत नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।